मिक्सचर कंटेनिंग टू एनायंस एंड टू कैटायंस। तो हमें क्या करना है, हमें करना है क्वालिटेटिव सेमी माइक्रो एनालिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनायंस एंड टू कैटायंस। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई भैया कि हमें करना क्या है, हमें करना है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है पता करना है कि भाई कौन सा माइक्रो एनालिसिस हम कर रहे हैं, भाई कौन सा एनायन है या फिर कौन सा कैटायन है। एनायन वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है भैया, तो नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन। और हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी है, किसकी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री की, डिफरेंट रिएक्शन जो हो रही है, डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रही है उनकी केमिस्ट्री की हमें क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे कि कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फाइड, SO3 नेगेटिव, S2O3 नेगेटिव, एसीटेट, क्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, NO3 नेगेटिव, बोरेट, BO3 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, फॉस्फेट, एमोनियम, पोटेशियम, लेड, कॉपर, कैडमियम, बिस्मुथ, टिन, एंटीमनी, आयरन पे 3 पॉजिटिव मतलब फेरिक, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, जिंक 3 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, बैरियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और इन मिक्सचर को हमें क्या करना है, प्रेफरली कंटेन 1 इंटरफेरिंग आयन। और इन मिक्सचर को इस तरीके से हमें इनका एनालिसिस करना है कि इन मिक्सचर के अंदर क्या होना चाहिए भैया, एक इंटरफेरिंग एनायन तो जरूर होना चाहिए या फिर कम्बिनेशन ऑफ एनायन होना चाहिए। अब ये इंटरफेरिंग एनायन होता क्या है, इसमें होना चाहिए इंटरफेरिंग आयन। इंटरफेरिंग आयन वो आयन्स होते हैं लाइक लाइक क्लोरीन, फॉस्फेट, ब्रोमेट एंड एसीटेट, आर्ट्रेट। तो ये सब क्या करते हैं, ग्रुप थर्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इनकी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन कर देते हैं और इनके कारण एनालिसिस नहीं हो सकती है। जैसे कि आपको देख कार्बोनेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट्स, ये बहुत सारे आयन्स होते हैं। तो स्पॉट टेस्ट हमें करना चाहिए जब पॉसिबल हो सके। तो इसमें एक दूसरा तरीका है, क्रोमेटोग्राफी करनी है हमें किसकी, मेटल के आयन्स की। तो मेटल के आयन्स की भैया क्या करनी है, क्रोमेटोग्राफी करनी है। तो चलिए इंतजार किस चीज का स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर भैया क्या प्रिंसिपल जो है क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, तो क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मीनिंग क्या होता है कलर, एंड ग्राफी मतलब कि उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन दो तरीकों से, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो बेसिकली दो मेटल आयंस के बीच में होती है, तो होती है निकल टू पॉजिटिव, एक कोबाल्ट टू पॉजिटिव, एक आयरन 3 पॉजिटिव, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और बाइडेंडल लिगेंड लाइक एसिटाइल एसीटोन, DMG, ग्लाइसिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भैया क्रोमेटोग्राफी हमें करनी है किसकी, मेटल आयंस की। क्रोमेटोग्राफी किसी करनी है, क्रोमेटोग्राफी करनी है मेटल आयंस की। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में क्या इन्वॉल्व होगा भैया, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में, एक प्रिंसिपल होगा पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, इसमें हम करेंगे मेटल आयंस का यूज। किसका यूज करेंगे, तो निकल टू पॉजिटिव का, कोबाल्ट टू पॉजिटिव का, ऐसी आयरन 3 पॉजिटिव, इन दोनों को साथ ले सकते हैं एंड इनको। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं बाइडेंडेड लिगेंड लाइक एसिटाइल एसीटोन। ठीक है, अब ये लिगेंड है, बाइडेंडेड लिगेंड है, बाइडेंडेड का मतलब है कि जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है क्वालिटेटिव सेमी माइक्रो एनालिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 कैटायन एंड 2 एनायन। तो व्हाट विल वी हैव टू बी डू, वी हैव टू बी डू क्वालिटेटिव सेमी माइक्रो एनालिसिस, कि हमें उसकी क्वालिटी पता करनी है, क्वालिटी इन द सेंस कि ये पता करना है कि पर्टिकुलर जिसकी मैं क्या कहते हैं मिक्सचर एनालाइज करना चाहती हूँ, क्या वो प्रेजेंट है जो क्या प्रेजेंट वो नहीं है। तो व्हाट वी विल हैव टू बी डू क्वालिटेटिव सेमी माइक्रो एनालिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 कैटायन एंड 2 एनायन। तो माइक्रो एनालिसिस करना है 2 कैटायन का एंड 2 एनायन का। तो आपको भैया क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो आपको भैया इक्विपमेंट में चाहिए छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास टीरिंग स्टैंड चाहिए, एंड उसके बाद हमें ग्लास टीरिंग रोड चाहिए, स्मॉल 10 ml की ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए, 250 ml बीकर चाहिए, ठीक है, वायर गोज चाहिए, स्मॉल वॉश ग्लास चाहिए, ड्रॉपर पेपर चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, वॉश बॉटल चाहिए। तो ये सब तो हमें सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है।
हमें केमिकल कौन कौन से चाहिए? तो हमें बहुत सारे इसमें केमिकल चाहिए, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। उसके बाद हमें चाहिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर टर्निंग, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो CH3COH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, बैरियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम प्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये प्रेडियम का एसीटेट, बेंजीडीन रिएजेंट, पैरा नाइट्रो एनिलीन, NaNO2HCl डाइफिनाइल, थायो कैरोजोन। तो हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे भैया? भाई प्रोसीजर में हम देखेंगे कि कलर कैसा आया, ठीक है? प्रोसीजर तुम देख लेगे ना, अभी हमें इसमें ये मिलाना है, उसमें ये मिलाना है, देन प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे भी कलर कैसा होना चाहिए, स्मेल कैसी होनी चाहिए, सोलिबिलिटी कैसी होगी, जब फिर फ्लेम टेस्ट कैसा होगा, जैसे कलर ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा। तो भैया हमने क्या देखा? हमने जो है एक चीज़ देखी प्रोसीजर के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें ये देखा हमने, और ये सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर तो हम कर लेगी, इसमें ये चीज़ मिलानी है, ये चीज़ मिलानी है, एंड देन हो जाएगा। भाई आया क्या, पता लगेगा क्या चीज़ बना। अब मुझे पता है प्रेसिपिटेट बना, मान लो मेरे पास कोई प्रेसिपिटेट बना, मान लो सोल्यूशन का कलर कैसा था, क्लाउडी वाइट था, प्रेसिपिटेट बना जो नहीं बना, सोलिबिलिटी क्या है, इनसोल्यूबल है, फ्लेम टेस्ट किया तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, स्मेल कैसी है, मोनिकल है, कलर है वाइट है, तो हम इसे पता कर लेगी भाई इसमें होगा क्या। फिर अनायन का जब हमें एनालाइज करना होता है, हमें ये पता करना होता है कि हमारे मिक्सचर में क्या कोई नेगेटिव चार्ज आयन है। हमें जब क्या पता करना होता है, हमें ये पता करना होता है जब हमारे मिक्सचर में क्या कोई नेगेटिव चार्ज आयन है, ठीक है भैया? तो हम करते हैं एनायन, क्या करते हैं हम, एनायन का एनालाइसिस। तो एनायन का एनालाइसिस करने के लिए सबसे पहला मेथड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई टेस्ट। बट वी कॉल दिस फर्स्ट मेथड इज नोन एज द ड्राई टेस्ट। ड्राई हीटिंग पे अगर ब्राउन गैस इवॉल्व होती है विदाउट ऑर्डर इवॉल्व, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे स्मेल, अगर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है बट कुछ भी स्मेल नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो नाइट्रेट, नाइट्रेट का आयन है, NO3 नेगेटिव आयन है। और जो वेट टेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होते ही, तो भैया वेट टेस्ट है या फिर प्रीलिमिनरी जो टेस्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलरली ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो पहला है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। इसके अंदर भैया कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है। जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देती। तो हमें लेना क्या है, हमें थोड़ी सी अमाउंट में मिक्सचर लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 ml डालना है डाइल्यूट H2SO4। फिर हम देखते हैं नाउ चेंज इन कोल्ड, एंड उसको पहले ठंडा करना है फिर गर्म करना है, फिर हम देखेंगे जनरली अगर रिएक्शन स्लो होती है तो हम उसमें देख सकते हैं चेंज द ड्रॉ एंड इंफ्रेंस बाय परफॉर्मिंग ए टेस्ट टू डिटेक्ट द इवॉल्व्ड गैस। उसको हमने रिएक्शन स्लो कर दी, उसको ठंडा करके देन गर्म करके, उसके बाद हम ये देखते हैं कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं भैया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसके अंदर उसको हमने वही सेम किया, कोल्ड किया, देन हॉट किया, वर्म किया, उसमें हमने देखा कि रिएक्शन तो स्लो है बट डू नॉट बॉयल द सोल्यूशन, बट हमने सोल्यूशन को बॉयल नहीं किया था। एंड ऑब्जर्व द चेंज एंड ड्रा द इंटरफेरेंस बाय ऑब्जर्विंग बाय परफॉर्मिंग ए टेस्ट टू डिटेक्ट द इवॉल्व्ड गैस एंड वेपर्स। हमें क्या चेंज, हमें जो चेंज है उसको डिटेक्ट करना कैसे, इसको ड्रॉ करके। पंगेंट बहुत ही गंदी स्मेल की, अगर ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं, द कलर ऑफ फ्यूम्स डीपर, जो फ्यूम्स का कलर है वो डीप होता जाता है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो समझ लीजिए कि नाइट्रेट से नाइट्राइट बन रहा है, मतलब कि NO2 नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि NO3 नेगेटिव का ब्लू कलर जरूर होता था लेकिन कोई भी स्मेल नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा, ब्राउन कलर के फ्यूम बहुत ज्यादा गहरी होती जाएगी और जो स्मेल है वो ऑडरलेस से बहुत ही पंगेंट स्मेल जो है बनती जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा भाई देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ NO3। NO3 को बोलते हैं भैया नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन से कन्वर्जन हो रही है नाइट्राइट आयन में। तो डेट इज द फर्स्ट टेस्ट, हमने क्या देखा कि जो नाइट्रेट था, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3 नेगेटिव आयन। अब जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव देता है,
ये तो हम जानते हैं ना, एसिड एच पॉजिटिव देता है, तो जैसे ही नाइट्रेट में एच पॉजिटिव जाएगा फॉर्मेशन होगी HNO3 की। अब HNO3 जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O में, NO2 में, O2 में, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, पड़ा नहीं रह सकता ये, भाई स्टेबल तो गैस, स्टेबल एसिड तो है नहीं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एसिड है। अब जैसे ही इसमें ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट H2 और NO2। तो देखिए NO2 में कन्वर्ट हो गया कौन, NO3। कब, जब हमने कॉपर के साथ रिएक्शन कराई, कॉपर साइड टर्निंग करी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल ग्रुप टेस्ट। तो स्पेशल ग्रुप टेस्ट में हम करने के लिए क्या करेंगे, मिक्सचर को हीट करेंगे, डाइल्यूट HCl एसिड के साथ फिल्टर करेंगे, टू एंड टू द फिल्ट्रेट एड BaCl टू सॉल्यूशन। एक वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा, इनसोल्यूबल होगा, HCl में वो आइडेंटिफाइड करेगा सल्फेट को। तो बैरियम प्लस में सल्फेट गिव राइज टू बैरियम सल्फेट, जिसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो समझ जाइए सल्फेट आयन एनायन है। तो अब आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनायन एग्जामिनेशन, कि आप कैसे करेंगे अपने सॉल्यूशन की प्रिपरेशन एनायन को एग्जामिन करने के लिए। तो भैया एनायन को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। किसको प्रिपेयर करेंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को। इज द मिक्सचर अंडर एग्जामिनेशन इज पार्शली और कम्प्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर जो मिक्सचर आपने निकाला वो क्या था, पार्शली या फिर पूरा का पूरा सोल्यूबल था पानी में, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर। मिक्स करना है 2 ग्राम मिक्सचर विद 5 ग्राम ऑफ सॉलिड प्योर सोडियम कार्बोनेट इन चाइना डिश में ऐड करना है 20 से 25 ml डिस्टिल्ड वाटर, उसको बॉयल करना है 10 से 15 मिनट तक, देन उसको कूल कर देना है। फिर जो बने उसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम नाइट्रेट का यूज करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल नाइट्रेट्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी में, एक्सेप्ट ए फ्यू हाइड्रोलिसिस टू यील्ड इनसोल्यूबल बेसिक साल्ट, हाउएवर डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट HNO3। ब्राउनिंग टेस्ट क्या करता है, एसिडिफाई कर देता है सोडियम कार्बोनेट को, और हम जब उसमें हम डालते हैं H2SO4, तो देखिए H2SO4 डालेगा तो एक्सपोजर देगा, एक्सपोजर देगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन एसिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो फेरस आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट जो है ब्राउनिंग टेस्ट में Fe2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगी, Fe3 पॉजिटिव बन जाएगी। और दिस टू दिस एड फ्रेशली प्रिपेयर पैरा सल्फेट सॉल्यूशन एंड पोर कंसंट्रेटेड H2SO4 स्लोली फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक ब्राउन रिंग जो है बन गई है, तो ये कंफर्म करती है कि हमारे सॉल्यूशन में नाइट्रेट था, ठीक है। तो जो इसका कॉम्प्लेक्स बना है, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इसलिए हमें ये कंफर्म करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में था। नेक्स्ट है सल्फेट के लिए टेस्ट। सल्फेट के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, सल्फेट जो है लेड का, बैरियम का, फिजिकली इनसोल्यूबल होते हैं। भाई जो सल्फेट भैया होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं किसमें, पानी में। किसके सल्फेट, लेड सल्फेट हो गया, बैरियम सल्फेट हो गया। अब ये इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ में एग्जिस्ट करते हैं, और जो इनसोल्यूबल फॉर्म है वो नीचे आके बैठ जाते, तभी नहीं हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। स्ट्रोंशियम सल्फेट जो है स्लाइटली सोल्यूबल है, ठीक है। सल्फेट्स ऑफ एल्काइल मेटल आर सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद हम बैरियम क्लोराइड टेस्ट करेंगे, लेड एसिटेट टेस्ट, सोडियम राइज रोडीजोनेट टेस्ट। उसके बाद हमें कैटायन का एनालिसिस करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक बार आप ये भी देख लीजिए लेड एसिटेट टेस्ट में क्या हुआ, इसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट डाला, डाइल्यूट एसिटिक एसिड CH2CO हो जाता है, एसिटिक एसिड डाला, इससे बना क्या, लेड एसिटेट का सोल्यूशन बन गया। अब जो वाइट प्रेसिपिटेट था कॉपर का, कॉपर इज फॉर्म्ड, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड, सेंट्रीफ्यूग एंड टूरिसाइड एंड अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन एंड NaOH, एक क्लियर सोल्यूशन जो बनेगा वो ये कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या था, सल्फेट था। उसके बाद था सोडियम रोडीजोनेट टेस्ट, टेक वेरी लिटिल BaCl टू सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, टू दिस ऐड करना है फ्रेशली पे 0.1% सोडियम रोडीजोनेट सोल्यूशन, रेड कलर जो बनेगा वो ये कंफर्म कर देगा कि रेड कलर डिसअपियर हो रहा है, तो कंफर्म कर रहा है सल्फेट टेस्ट। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।